पहुंच चुके हैं आखिर में बियर मॉल। हे गुड मॉर्निंग, आई एम सुमित रस्तोगी एंड बैक विद अ न्यू ब्लॉग वीडियो। आज है 25 दिसंबर और आज जाने वाले हैं हम एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सोचेंगे कि हाँ हमको जाना चाहिए, है ना। सूरत का एक फेमस प्लेस जो चलते हैं कुछ देर में। तो अभी मैं उठा हूँ, घर का तो हालत देख लिया होगा आपने कि कैसा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं छत पे आकर सीढ़ी पे बैठकर मस्त ब्लॉक का यहाँ से एंट्री दे दूँ। तो अभी हम जाएंगे और कुछ काम है, अभी काम करूँगा। काम ये है कि गाड़ी धोना है और दुपट्टे पहुँचाना है, उसके बाद फ्रेश होकर हम चलेंगे वी आर मॉल और वहाँ का नज़ारा आज देखने लायक होगा। अभी तो मैं सुबह सोकर उठा हूँ और बस यही बात है, तो क्यों नहीं हम थोड़ी देर के बाद चलेंगे। अभी चलो काम धाम करके मिलते हैं। आज का सुबह का नज़ारा, गुड मॉर्निंग सूर्यदेव, कहाँ गया तेरा, सॉरी सूर्यदेव। वाओ, चलो तो कुछ नज़ारा देखा जाए। अरे वाह, वॉचमैन अंकल बोल रहे ऑरेंज कलर का स्वेटर पहने हुए। आज फॉग बहुत दिख रहा है भाई, ऐसा क्या हो गया। गार्डन का नज़ारा बहुत मस्त है देखा जाए तो अभी मॉर्निंग का नज़ारा यही है, मेरे टेरेस से ऐसा ही व्यू आता है। और यहाँ पे एक दिन पतंग उड़ाना है इस पे चढ़ के, तो आज का नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है, देख रहा हूँ एकदम मस्त, एकदम मतलब एकदम मस्त। काम तो ख़त्म हो गया और सोचा हूँ कि गाड़ी की सफाइयाँ चालू कर दिया जाए। पानी और ये रहा सरफ का जो भेज कर रखते हैं वो, और अभी ये खाली सुखाने के लिए लाया हूँ, जब गाड़ी पोछ लूँगा ना तो सूखने के लिए इसका काम आएगा। चलो अभी गाड़ी को गीला करने का टाइम आ गया है, गाड़ी को खाली सरफ से मारा है, देख लो आप जितना था उतना कर दिया है मैंने। चलिए गाड़ी साफ हो गई है, एकदम मस्त चकाचक हो गई है, और पीछे दिख रहा है साइकिल काट दिया उसकी मैंने पूरी, देखो कितना ख़राब इसकी हालत किया है। सर गुस्सा आ गया था इसीलिए तो छोड़ा नहीं इसको, और बस इसका टायर निकालना है यहाँ से, देखो इसको खोलकर टायर निकाल दूँगा। और ये टायर कहाँ जाएगा मालूम है, आगे दिखाता हूँ। इस साइकिल का टायर मेरे वजह से फट गया था, तो उस दिन से मेरे पास पड़ा है छठ पूजा के दिन से, और पूरा का पूरा एकदम, ये भी सही है पर खाली इसका टायर का प्रॉब्लम है, और इसका पूरा एकदम सही ख़त्म कर दिया खेल इसका। चलो अपना एक काम तो कंप्लीट हुआ, दूसरा काम भी कंप्लीट हो गया, अब खाली अपने को अपने ऊपर ध्यान देने का। अब मैं जाऊँगा ब्रश करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, रेडी हो जाऊँगा और फिर बाद में चलूँगा एक नई प्लेस पे, यानी वी आर मॉल। चलो चलते हैं अभी। तो है जस्ट अभी रेडी हो चुका हूँ और अभी 5 बज रहे, मी एंड राजू भाई दोनों हम जा रहे वहाँ पे, जहाँ के लिए आज जाना चाहिए था, तो अभी हम चलते हैं। पाएगा लगता नहीं है, लगता नहीं है। गाड़ी देख कितना ठोका है, गाड़ी तो बहुत ठोका है, ठोका नहीं सब गिरा फिरा है भाई, लाल लत में ठोका है। तो ये पापा से हुआ था और ये तो मेरे साथ हुआ था, इतना खराब हालत किया है। तो गाड़ी चल पाएगा, अभी टाइम तो 4:30 होने वाला है, मस्त सूरज भी अभी है, हर हर महादेव हर हर महादेव। इनको है ना धूप ही इतना नहीं मालूम चला कि धूप है यहाँ पे, इतना उनको लग ही नहीं रहा है कि धूप है। तो अभी है ना हम जस्ट जा रहे हैं वहाँ जहाँ हमको जाना चाहिए। यहाँ का जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, देखो कितना अच्छे से अम्ब्रेला से पूरा सजाया गया है, ब्रिज के नीचे दिख रहा है कितना मस्त लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरी बार आता हूँ, देखता हूँ रात को आता हूँ तो एक वीडियो क्लिप
हो जाए, रात को देखने में कैसा लगता है वो भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे अपनी सूरत की निशान देखा, कितना मस्त लग रहा है। अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग की है, देखो कैसी जगह, जगह इतनी सारी पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है, तो हुआ कि चलो अब यहाँ पे ही पार्क किया जाए। अब यहाँ पे हम आएंगे, आधे घंटे बाद फिर ले जाएंगे, चलो चलते हैं। अब वी आर मॉल आ जाओ। अभी यहाँ पे आया तो मालूम चला कि टाइम लग जाएगा खुलने में, तो हुआ कि चलो दोस्तों के साथ, अब बाहर जाना था तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करके आए। तो अभी फाइनली कुछ देर के बाद खुलेगा, ऐसा वो लोगों ने बोला है टाइम। तो अभी मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद जा जाऊँगा, कोई अर्जेंट काम हो गया है उन लोग को। तो चलो देखते हैं, शाम को आते हैं और मैं चलते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं एकदम दूर तक टाइम। ओ भाई साहब, बहुत लंबी वाली ट्रैफिक लगी हुई है, क्या बता दूँ आपको। यो 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 यो, रात का नज़ारा क्या है, क्या बताऊँ आपको। दिख रहा है वी आर मॉल, ओ ये, अरे कहाँ फंस गया मेरा पैर। चलो अब फिर से एंट्री मारी देते वी आर मॉल के अंदर। और राजू भाई लाइन में लगे हुए, लाइन बहुत बड़ी है, दिखाता हूँ आपको, पूरा एकदम अंदर से लाइन है, वहाँ से अंदर जाने का देखने का। फिर वी आर, रात का नजारा, क्या लाइन है भाई, क्या लाइन है, पहुँच चुके हैं आखिर में वी आर मॉल। अभी हम लोग घूमने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको स्टार्टिंग का कुछ। यहाँ पे डेकोरेशन अच्छा सा किया गया है। राजू भाई चलो यार, आप नहीं चलोगे तो मजा नहीं आएगा हमको। ओहो सेंटर, ओ भाई फोटो खींचने का, फोटो खींचने का, वहाँ पे, वहाँ पे जाओ, मैं खींचता हूँ फोटो। वाओ, आपको ये वाला दिखा देता हूँ, ये जो बनाया ना इतना हैवी वाला, आगे कैमरे से दिखा देता हूँ कितना मस्त दिख रहा है देखने में, खाली फोटो खींचने के लिए बनाया गया। चलो दिखा देता हूँ आपको, वाली हिरन है सब, एक दो तीन चार, वो सेंटा तो भाई है ही नहीं यार, खाली गिफ्ट रखा है। वहाँ से दिखने में कितना औसम दिख रहा है, वीआर का एकदम जस्ट नीचे ही है। क्या बोल रहे हो, आई लव, आई लव, क्या लिखा, आई लव डुमस सूरत। इधर इधर बीच में मैं बैठता हूँ, बीच में बैठोगे। हाँ, राजू भाई अभी यहाँ बैठने वाले, आई लव डुमस सूरत। चलो जल्द से जल्द हम फोटो खिंचवाते हैं और फिर अंदर चलते हैं, वीडियो बनाएंगे अपन। आजा आजा चलो, ये किस चीज का बना है, बोतल का है क्या, कितना औसम है, बोतल से पूरा बना है तो। ओ ये यहाँ पे सब जेम सोम चॉकलेट वगैरह रखा हुआ है, वो रखा सब क्रिसमस एकदम से मस्त, अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलो बढ़ते हैं हम आगे, छोटा सेंटा सब अंदर एकदम मस्त चलते हुए दिख रहे हैं, हमें भी अंदर जाने का, अभी अंदर चलते हैं वीआर के अंदर। सो लेट्स गो, इधर से जाए, इधर से अपन इधर से चलते, बहुत लोग इधर से चलना है, ठीक है चलो इधर से ही चलते हम। तो वीआर के अंदर एंट्री हो चुके हैं दोस्तों, वीआर के अंदर एंट्री हो गए हैं। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड साउंड बंद कर दिया है पूरी तरीके से एकदम से ही, और बिकॉज इसलिए बंद किया है बिकॉज क्योंकि आपने सुना होगा पहले वाले क्लिप में कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आ रही थी पब्लिक की, बहुत मतलब बहुत, तो इसलिए मैंने ना बंद कर दिया। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो हम वीआर के अंदर तो एंट्री मारी दी है, और ये जो आप देख रहे हो पूरा कपड़े का शोरूम है, देखा यहाँ पे एकदम ब्रांडेड ब्रांडेड वाले कपड़े है देखो सब। और ये अंदर का जो पूरा है, ये जो आप देख रहे हो नाव है, इतना बड़ा मतलब बनाया गया है, ये हमेशा रहता है यहाँ पे। और बाकी सब आप तो देख ही रहे हो, इतना अच्छा चीज़ दिख रहा है, वाव कहते हैं जहर वाली फीलिंग आ रही है मुझे सही बोलूँ तो। अभी हमें वो क्रिसमस के पास आने का है, तब तक चलो धीमे धीमे आगे बढ़ते रहते हैं और देखते हैं। ये क्या बीच में कार खड़ा कर दिया है, वो होंडा कंपनी की कोई कार है, पर एकदम बीच में अच्छा है, फ़ोटो वोटो खींचने के लिए मस्त है। ओ भाई कार चालू भी है, तो लाइट जल रही है इसमें, क्या बात है यार। इस बार का मतलब थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट लग रहा है इस बार का। पिछली बार आया था तो उतना नहीं था, ऊपर भी पूरी हर जगह पब्लिक ही पब्लिक दिख रही है, देखो कितनी पब्लिक दिख रही है। यहाँ पे एक और बात है कि आप
नाश्ता भी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो, और यहाँ पे आप रहने का हो सकता है तो रह भी सकते हो। तो फिलहाल तो हम क्रिसमस के पास आ गए, दिख रहा है कितना बड़ा है यहाँ पे, सब लोग इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं उसके सामने, दिखा इतना बड़ा है यहाँ पे क्रिसमस। मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। ज़्यादातर अभी नीचे ग्राउंड में कपड़े का शोरूम है, पहले ग्राउंड में, दूसरे वाले में पता नहीं क्या होगा, हमें जाकर मालूम चलेगा। देखो कितनी इनकी हाइट है और ये देखो कितनी हाइट है, समझ सकते हो आप कितने माले तक जा रहा है, कम से कम दूसरे माले तक ये जा रहा है, इतना ऊंचाई बना है। चलो हम पूरा तीसरे माले तक जाएंगे, थर्ड माले तक जाएंगे, देखेंगे कि ऊपर से कैसा नज़ारा दिखता है। तो फिलहाल हम घूम घूम कर चलेंगे और कोई शॉप भी देखते देखते चलेंगे। रितु कुमार, ओ भाई मतलब आधा लड़की का नाम आधे लड़के का नाम, मतलब कुमार तो लड़कों में लगता है ना, वेरो मोड़ा, ओहो ये दिख रहा है आपको, यहाँ देखो एकदम ये जो दिख रहा है ना एकदम बॉल का सजाया हुआ, मतलब छोटे छोटे बॉल होते हैं ना वही, उसको लेकर ये सब सजाया गया है। देखो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये ओनली आर ये क्या है भाई, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर नीचे वाले कुकी मैन, ओ भाई पहले ही ग्राउंड में आते आते तो हमने पहले नाव देखा, फिर एक कार देखा, फिर क्रिसमस ट्री देखा, और उसके बाद ये तो मर्सिडीज़ अभी जो है ना दिख रहा है, एक ये है और एक ब्लैक वाला है। सो ब्लैक वाला ये रहा, दोनों साथ में खड़ा किया गया है, मस्त दिख रहा है, मस्त लुकिंग आ रही है, दोनों के साइज अलग है। अभी हमें ना ऊपर चलना है, वी आर सूरत, ये बड़ा सा एलईडी भी मस्त लग रहा है, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलो अब चलते हैं हम ऊपर की साइड, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे मी एंड माय फ्रेंड राजू भाई, हाँ तो हम दोनों यहाँ पे आए हैं, अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। चलो हम फर्स्ट फ्लोर पे भी आ गए हैं, ये आहा हम फर्स्ट फ्लोर पे भी आ चुके हैं, और हम ठीक है फैशन, ओ ये मुझे फैशन बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये दो बॉडीगार्ड दिख रहे हैं, ओ एक्चुअली बॉडीगार्ड नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड है। और ये जो दिख रहा है ना, ये ज्वेलर से दिख रहा है ना, वो मुझे नहीं पता रियल है या फेक है, बट जिसको भी लेना हो तो यहाँ पे आकर देख लेना। वैसे तो मैं दिखा देता हूँ आपको हर एक चीज़, देखते आगे भी। यहाँ पे तो फिलहाल क्रिसमस ट्री देखते हैं, अभी ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर से ये दिख रहे हैं ना आपको, अभी हम कुछ उतना है नहीं, देखो इतना ही, अभी अभी कुछ उतना है नहीं, उतना भी है नहीं। तो अभी हम थोड़ी देर बाद ऊपर चलते हैं और वहाँ का भी देखते हैं ऊपर से कि कैसे दिख रहे हैं पब्लिक और कैसे नहीं। इस मॉल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपने नहीं सोचा होगा, जैसे कि बता दूँ यहाँ पे खेलना, खेलने का भी मतलब आप खेल सकते हो यहाँ पे आकर, और यहाँ पे हर एक चीज़ है, खेल सकते हो, कपड़े वपड़े ले सकते हो, गेम्स या फिर कोई भी मशीन, एवरी थिंग एवरी थिंग, इस मॉल में हर एक चीज़ मिलेगा आपको। हाँ, पर वो राशन वासन होता है ना उसका नहीं दिखा मैंने अभी तक, तो शायद उसका भी चांस कम है, बट है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो चलो अब हम सेकेंड फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं। यहाँ से दोनों कार मस्त दिख रहा है, एकदम सही देखा जाए तो अच्छा रखा हुआ है, हाँ मस्त दिख रहा है यहाँ पे देखा जाए तो। तो चलो ऊपर जाकर सेकंड फ्लोर से हम देखते हैं। वैसे आपको बता दूँ जो सिक्योरिटी गार्ड नीचे खड़े थे वो आज के दिन हर एक जगह पे दिखाई देंगे, हर एक कोने कोने में दिखाई देंगे, क्योंकि आज के दिन पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, हद से ज़्यादा, कुछ लिमिट ही नहीं है, जैसे देख सकते हो। वो ये क्या करा रहे मुझे नहीं पता, ये अगर जो आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं थर्ड अपार्टमेंट, मतलब थर्ड फ्लोर पे, अपार्टमेंट कहाँ, अपार्टमेंट नहीं, थर्ड फ्लोर पे, और वहाँ से जाकर हम देखेंगे कि कैसा है नज़ारा और कैसा नहीं। तो हम आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पे, हाँ हम आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिला तो यहाँ पे हर कोई खा ही रहा है, मतलब यहाँ पे फूड और खाने होने के लिए मस्त है। फर्स्ट फ्लोर पे कपड़े, सेकंड फ्लोर पे शॉप, एंड थर्ड फ्लोर पे
खाने का चीज़ और शॉप है जो कि आप देख सकते हो, आपके सामने सब अवेलेबल है। इस मॉल की बात करें तो इस मॉल में सब कुछ मिलता है, ए टू जेड चीज़। पर आज मैं वो सब चीज़ नहीं दिखाने आया हूँ, आज इस चीज़ को मैं एंजॉय करने वाला हूँ। देख रहे हो जो आप, इतनी बड़ी क्रिसमस ट्री और इतनी सारी पब्लिक, कितना मस्त लग रहा है। इस टाइम है ना, आज के दिन ही इतनी पब्लिक रहती है, बाकी तो बहुत कम पब्लिक यहाँ पे रहती है। और सेकेंड फ्लोर तक ये पूरा क्रिसमस ट्री बनाया गया है, दिख रहा है कितना बड़ा और कितना। और ये जो लाइट बुक बक कर रहा है ना, ऊपर से दिखाया था आपको, देखो हर जगह लाइट बुक बक कर रहा है ये। बोलो कुछ भी बोलो, बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे। आज का दिन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। राजू भाई को भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमकर, और मुझे भी आज के दिन खास अच्छा लग रहा है। आज के दिन खास अच्छा लग रहा है क्योंकि आज के दिन यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, सजावट अच्छी खासी है, यहाँ पे डेकोरेशन अच्छा खासा किया गया है। हर साल मैं आता हूँ, पर इस साल से ब्लॉगिंग चालू किया है तो मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ का भी सीन ले ही लेते। तो आप लोगों ने सुना कि कितनी ख़राब आवाज़ के साथ वो था वॉइस मेरा, तो इसलिए मैंने ना बंद कर दिया है बैकग्राउंड साउंड, और मैं घर पे जाकर फिर से एडिटिंग कर रहा हूँ। तो चलो अब चालू करते हैं अपना। ये जो दिख रहा है थर्ड फ्लोर तक आ रहा है पूरा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये देखो एकदम कितनी ऊंचाई। ये चीज़ के लिए मैं आज कंपलसरी यहाँ पे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे रेस्टोरेंट है थर्ड फ्लोर पे, आपको हर एक वैरायटी के खाने मिलेंगे, अलग अलग चीज़ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब आपने सोचा नहीं होगा, एवरीथिंग ऑल इंडिया फूड्स मिलेगा शायद। मुझे भी कंपलसरी पूरा पता नहीं है, पर आई थिंक मैं सोच सकता हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, यही बात है। तो ये जो आप देख रहे हो सामने वो वीडियो गेम है, और बहुत सारे टाइप के गेम है वहाँ पे जो बच्चे लोग खेल रहे हैं, पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर दिख रहा है इतना बड़ा है यहाँ पे, वही तो बोल रहा हूँ इस मॉल में एवरीथिंग अवेलेबल है, हर एक चीज़ दिख रहा है, मस्त लग रहा है ना। चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते और देखते हैं। वैसे तो मैं कोई शॉप के अंदर जा नहीं सकता हूँ, बिकॉज़ एक में गया था तो उसने मना किया कि भाई यहाँ के अंदर में नहीं ले सकते हो, आप बाहर का वीडियो ले सकते हो बट शॉप के अंदर नहीं ले सकते हो। तो आप सोच लो कितना अच्छा होगा यहाँ पे, और कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, कितनी वैरायटी होगी, अलग अलग वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगा, आप जो चाहे वो मिलेगा। ये देखो यहाँ पे ट्रेन है, अभी ये पूरा राउंड मराएगा सेकेंड फ्लोर को, सेकेंड फ्लोर पे ना पूरा राउंड मराएगा। ये क्या नीचे सेंटा? नहीं सेंटा नहीं है एक्चुअली, बच्चे मुझे डाउट हुआ कि सेंटा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने तो पूरा आपको मॉल घुमा दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर पूरा ऊंचाई दिखाई दिया था आपको। अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए, बिकॉज़ घर से निकले हुए बहुत देर हो चुका है। मैं दोपहर को ही निकला था, उसके बाद दोस्त के पास चला गया था, ये बंद था तो। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर के लिए, और रास्ते में एक जगह देखा था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलो अभी वहाँ चलते हैं और वहाँ का क्लिप लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा रहेगा। जो मैं आपको दिखाने वाला था ना, वहाँ पे आ चुका हूँ मैं, ये ब्रिज के नीचे ये अम्ब्रेला जो लगा है वहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा अंदर हम जाएंगे और देखेंगे कि अंदर कैसा क्या है, आज तक तो गया नहीं हूँ, पर अब चलो जाता हूँ अंदर, अंदर जाकर देखता हूँ। आई लव सूरत, ओ जाना पड़ेगा अंदर। यहाँ पे रात को बहुत अच्छा दिखा, इसलिए हुआ कि चलो यहाँ का भी एक क्लिप ले लिया जाए। तो राजू भाई तो वहाँ पे गाड़ी के पास खड़े हैं, दिख रहे हो रे? देखो वॉचमैन ने बोला है कि यहाँ पे गाड़ी पार्किंग नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। ओह कदे जहर वाला एलईडी लाइट है, लाइट बिना लाइट का इरिडियम बनाया गया, कितना अच्छा दिख रहा है। दोनों चेयर है, मस्त दिख रहा है, ऊपर से ये अम्ब्रेला। अब रील शूट करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, मस्त दिखा हमको, एक्शन वाली वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। हम लोग अभी टीम वर्क कर रहे हैं, तो वो भी हम बना देंगे, अगर कोई वीडियो आ रहा हुआ तो उस वीडियो का क्लिप बता देंगे कि हाँ हमने ऐसा किया है, एक और बार फिर से बना कर। तो ये जो लोकेशन देख रहे हो कितना मस्त है, ब्रिज के नीचे मस्त बनाया है एकदम मस्त वाला।
दिख रहा है पूरा आगे तक है, पूरा आगे तक है, एकदम आगे तक है। तो हमको बस खाली यही दिखाना था मेरे को आप लोग को कि यहाँ पे जो बनाया गया है वो तो मस्त बनाया गया है, फोटो वोटो शूट करने के लिए अच्छा है यहाँ पे और वीडियो के लिए तो अच्छा ही है। चलो कैसा लगा ये जगह बताना, अब मिलते हैं न्यू वीडियो में, एक 1 जनवरी को मिलूंगा लाइटली कि मैं अपना न्यू ईयर कैसे मना रहा हूँ। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया तो क्या कर रहे हो, दबा दो ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग इतने एक्टिव हो। मुझे नहीं पता चल रहा है कितने लोग एक्टिव है कितने लोग एक्टिव नहीं है, कैसे आप मुझे मुझ पर भी थोड़ा ध्यान दे दो है ना, जब आप मेरी वीडियो को इतना लाइक करते हो। अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये शेयर का है ना, लाइट नहीं लगाया है यहाँ पे, ये जो है ना ये लाइट नहीं लगाया है, ये रेडियम है पर बहुत अच्छा दिख रहा है, ये पूरा एकदम मेल्ट है मतलब मस्त रेडियम कलर का है ये, इसमें लाइट नहीं, ये लाइट नहीं जलेगा इसमें, मस्त है फिर भी अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे दिन में हम आएंगे वीडियो बनाने, तब चलते हैं। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, ओके। घर पहुँचते मम्मी ने बोला कि सब्जी नहीं है घर पे, चलो सब्जी मार्केट। तो मैं मम्मी के साथ सब्जी मार्केट आया हूँ, ये रही मेरी मम्मी, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।